पाकिस्तान के आतंकी वायरस के साथ साथ चाइनीज वायरस से भी सावधान रहने की जरूरत है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख पहुंचने वाली है। आपको बिहार की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक तरफ कोरोना जान ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों की बद इंतजामी और मनमानी। प्लीज मेरी हेल्प करो, इन लोगों ने मेरे फादर जीते जी मार दिया। मेरे फादर को कोविड निगेटिव था सर, बॉडी लेने के लिए उन्होंने मुझे सुबह से शाम तक वेट कराया। प्लीज मेरी मदद करो, मैं बस इंसाफ चाहता हूँ। इन लोगों ने मेरे फादर जीते जी मार दिया। वो उनको अगर उनका ट्रीटमेंट टाइम से होता, दो दिन से यहाँ वो पड़े थे बिना ट्रीटमेंट कर। 8,000 का मेडिसिन मंगवाया गया, 6,000 3,000 का मेडिसिन 2 दिन मंगवाया गया, लेकिन उन लोगों ने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। नर्स को बोलते थे मेडिसिन देने के लिए, वो बोलती थी कि आपको पता है ना आपके फादर क्या है, हम लोग नहीं छुएंगे। मेरी माँ यहाँ पर 24 घंटा बैठी थी ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। ज्यादा पानी देती थी, ज्यादा मुंह में देती, खाना तो कोई नहीं खिलाता था मेरे फादर को। भूखे रहते थे 2 दिन, तो वो भूखे रहे। प्लीज खुश कीजिए, आप लोग खुश कीजिए। IGIMS अस्पताल के बाहर रो रोकर वीडियो बना रहे शख्स का नाम शिवम है। अस्पताल की लापरवाही ने शिवम के पिता की जान ले ली। पटना में कोरोना के लिए डेडिकेटेड सबसे बड़े अस्पताल NMCH की कोविड रिपोर्ट में शिवम के पिता को नेगेटिव बताया गया। सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए इलाज के बीच में ही NMCH ने PMCH या IGIMS रेफर कर दिया। IGIMS को NMCH के रिपोर्ट पर यकीन नहीं था, इलाज में देरी हुई और शिवम के पिता की डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले केशव प्रसाद NMCH की सच्चाई भी बता कर गए। मैडम, केशव प्रसाद है, कुछ आपको कराने वाला हूँ, कोरोना फंस गया हूँ। ये ना कोई नर्स आती है, न कोई डॉक्टर आता है, और न कोई सफाई कर्मी आते हैं। लैट्रिन लगा हुआ है, लैट्रिन जाकर कहाँ समझ नहीं आ रहा। अब पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के एक डॉक्टर की तकलीफ सुनिए, जिसकी पत्नी ने कुछ ही दिन पहले अस्पताल के बाहर तड़प कर अपनी जान दे दी। के गार्ड से लेकर मतलब हर आदमी को हाथ जोड़ते हैं, आपको भी हम हाथ जोड़ते हैं। मतलब इतनी खराब स्थिति नहीं होनी चाहिए। समय पे इलाज रहता है तो सर कुछ नहीं होता, उनको समय पे इलाज होता तो कुछ नहीं होता। निजी अस्पताल का जो प्रबंधन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो जिम्मेवार है। कल आपने पटना के सरकारी अस्पताल की हालत देखी, आज प्राइवेट अस्पताल के बारे में सुनिए। गार्ड से लेकर मतलब हर आदमी को हाथ जोड़ते हैं, आपको भी हम हाथ जोड़ते हैं। मतलब इतनी खराब स्थिति नहीं होनी चाहिए। समय पे इलाज रहता है तो सर कुछ नहीं होता, उनको समय पे इलाज होता तो कुछ नहीं होता। निजी अस्पताल का जो प्रबंधन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो जिम्मेवार है। ये डॉक्टर अंजीत सिन्हा है, PMCH के सीनियर डॉक्टर। रूबन अस्पताल के गार्ड से लेकर अस्पताल मैनेजमेंट तक हाथ जोड़ना पड़ा, लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुनी। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद, जानेंगे दिल्ली का कोरोना ग्राफ।